साल में एक शो करते हैं, तो इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स लाइक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जहाँ पर एक रियलिटी शो में एक क्रिएटिव थे, यू नो लड़कियों के लिए कैसा होता है कि उनका मन रहता है कि वो केक काटे। हाय जय, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस फॉर हम। किस तरीके से यू सी योर जर्नी, बिकॉज काफ़ी वक्त के बाद होस्टिंग करने के बाद दोबारा से आप सीरियल में आए हो, एक्टिंग कर रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू से, किस तरीके का ये जहन में आया लाइक आफ्टर द इतना गैप, और क्या कुछ बताना चाहोगे कि इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी यही है कि ये लॉन्च मेरा बहुत पहले हो सकता था, लेकिन सही किरदार या फिर सही रोल्स मुझे ऑफर नहीं हो रहे थे। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली जानती है दैट यू नो हाउ मच, हाउ इम्पॉर्टेंट, मैं कितने वक्त से इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ऐसा शो मुझे ऑफर हो जो मैं दिल से करना चाहूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ दैट यू नो जब आप एक शो करते हैं तो इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स लाइक आपका साथ उस शो के साथ एक लंबे समय तक जुड़ जाता है। तो 15 साल के बाद अगर मैंने एक शो को हाँ कहा है तो इट मतलब फर्स्ट रीज़न यही है कि कुछ तो होगा, और मैं वैसे भी यू नो कोई भी शो अगर पकड़ता हूँ तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं पकड़ता, बिकॉज मेरा मानना है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एक्टर कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँ अपने फैंस के लिए, उससे एक लॉयल्टी बन जाती है एक फैंस के साथ कि यार ये जब भी आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब मैं रियलिटी शोज़ भी करता हूँ तो मैं इतनी आसानी से कोई रियलिटी शो को हाँ भी नहीं कह पाता, क्योंकि मेरा है कि यार जब मुझे पेपर में नज़र आ जाता है दैट यू नो ये शो फ्लॉप होने वाला है तो मैं नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, अगर शो की बात करो तो कॉन्सेप्ट भी हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे शोज आ तो रहे हैं एकदम ग्रैंड लेवल पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीआरपी के चक्कर में 2-3 महीने के बाद शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। सो ऐसे में एज एन एक्टर वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग लगता है कि अगर कोई शो करूँ तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे चलेगा? ओके, सो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं टीआरपीज देखता नहीं हूँ इतना, ऑफकोर्स कभी कभी नज़र डाल देता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये फोकस नहीं है कि एवरी वीक थर्सडे को मैं वेट करूँ कि टीआरपी क्या आई है, बिकॉज मेरा मानना यही है कि मेरा काम है एज एन एक्टर टू परफॉर्म एंड यू नो गिव माई बेस्ट। अब वो शो चले ना चले, किस रीज़न से चल रहा है किस रीज़न से नहीं चल रहा वो मेरा लुकआउट नहीं है, बिकॉज मुझे तो एक स्क्रिप्ट दी जाती है, मुझे एक परफॉर्मेंस करने के लिए यू नो एक जॉब दिया जाता है जो मुझे करना है। क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जहाँ पर एक रियलिटी शो में एक क्रिएटिव थे, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, नीरज शर्मा करके, जो आज के टाइम के सारे यू नो सिंगिंग रियलिटी शोज़ वो हिट शोज़ के वो मशीन कहा जाते हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा था और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे आके कहा था सारे टीम को बुला के कि हम टीआरपी से कभी अफेक्ट नहीं होंगे, हम वही करेंगे जो हमने ऑफिस में फर्स्ट दिन पे डिसाइड किया था कि हम पूरे सीज़न में करने वाले हैं, हम टीआरपी को देखकर ऊपर नीचे नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, बिकॉज पैनिक में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो और हमने बोला कि ठीक है, हम फिर मस्ती बोले कि आई जस्ट वॉन्ट 12 आवर्स, यू शुड हैव फन, दैट्स इट। और मैंने वही किया, हमने वो शो ओपन किया था 1.7 पे और हमने वो शो ख़त्म किया था 3.8 पे। तो यूजुअली ऐसा होता है कि फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि आप इंटरव्यूज़ देते हैं, आप बहुत जगह पे जाते हैं, तो आप जाके आपकी 2.3 की टीआरपी आ जाती है, लेकिन हमने 1.7 से शुरू किया और ख़त्म हुई 3.7 पे। सोनी का ही शो था, सुपरस्टार सिंगर। तो उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया दैट यू नो टीआरपी देखकर आर्टिस्ट अपने आप को यू नो कमज़ोर कर देता है, इससे अच्छा बेटर है कि अपना काम करो, 12 घंटा एंजॉय करो, रेस्ट लीव इट टू गॉड एंड ऑडियंस। एग्जैक्टली, एंड इसके अलावा आपने माही इसके बर्थडे के लिए बहुत ही हार्ट टचिंग नोट लिखा था, किड्स आर मिसिंग यू, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी? दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट बर्थडे फॉर मी एंड फॉर माही बोथ, बिकॉज मैं जानता हूँ दैट यू नो सी हम आदमियों के लिए जैसा रहता है, एक टाइम के बाद हमें केक भी काटने का शौक नहीं रहता, बट यू नो लड़कियों के लिए कैसा होता है कि उनका मन रहता है कि वो केक काटे एंड दे सेलिब्रेट द वे दे सेलिब्रेट द 16th बर्थडे, एवरीथिंग इज़ द सेम, वो बड़ी कभी होती नहीं है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि हम वीडियो कॉलिंग के जरिए यू नो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू सी दैट यू नो शी कांट मीट यू नो हर किड्स ऑन हर बर्थडे, सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो द प्रोडक्शन हाउस गेव मी ऑफ व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू नो शी हैज़ कोविड, सो दैट आई कुड टेक केयर ऑफ द किड्स। एंड लकीली जब मैं निकल रहा था, जब इनका यहाँ पे ऐसे नेक पे आ गया था दैट नहीं सर अभी आपको आना होगा, तो उसी दिन मुझे न्यूज़ मिल गई कि शी हैज़ रिकवर्ड, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट माई किड्स वेर मिसिंग बट एट द सेम टाइम आई वॉज देयर टू कवर अप।
एग्जैक्टली एंड काफ़ी सारे लोग जो है इसे खूबसूरत मूवी से कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे फवाद और सोनम थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फवाद भी उसमें प्रिंस थे, एंड अगेन ये भी वैसी स्टोरी है. सो ऑन दिस कंपैरिजन व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इससे कोई लेना देना ही नहीं है उस शो से. इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. डेफिनेटली दैट वॉज अ वेरी गुड फिल्म, बट एट द सेम टाइम आई वुड से दैट यू नो दिस हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी. ये थोड़ा सा अलग है खूब जो आप फिल्म कह रहे हैं फवाद और फवाद की फिल्म से, लेकिन डेफिनेटली झलकियाँ आपको शायद थोड़ी बहुत दिख जाएंगे बिकॉज थोड़ा सा जो बेस है वो वैसा ही है. ओके, सो वेल जय, अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दैट गाइस प्लीज़ डू वॉच माई शो हम रहे ना रहे, हम रात 9 बजे. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जितना हो सके इसे शेयर करते रहिए सोशल मीडिया पे, ताकि 10 अप्रैल को सबको पता चल जाए कि भैया 9 to 9:30 उन्हें देखना है हम रहे ना रहे हम.